सोचा है कि मैं एक पक्ष निकालूंगी जिसमें मैं पूरे महाराष्ट्र में से सब समाज सेवियों का आह्वान करती हूँ, और आज तक हर कार्यकर्ता झंडे लेके भागता रहता है नेता के पीछे, पूरी चप्पल रगड़ जाती, जिंदगी रगड़ जाती, बाद में उसका कुछ नहीं होता, वो नेता तो जय हिंद जय महाराष्ट्र बोल के आउट ऑफ इंडिया में इधर उधर सेट हो जाता, दो चार करप्शन करके ये सब चलता है। बाकी आज हमें नारा चेंज करना, आज से मैं ये नारा चेंज करती हूँ, मैं इस पार्टी का नेतृत्व करूंगी पर मैं कार्यकर्ताओं के पीछे रहूंगी। मेरा एक ही नारा है, कार्यकर्ता आगे बढ़े, करुणा धनंजय मुंडे उनके साथ है, ये नारा मुझे देना है आज से, और इसके लिए मैं आई। कार्यकर्ता आगे बढ़े, करुणा धनंजय मुंडे उनके साथ है, और मैं ये चाहती हूँ जिन कार्यकर्ताओं ने कई नेता बना के निकाल दिए अपने हाथ के नीचे से, वैसे कार्यकर्ताओं की, वैसे क्रांतिकारी समाज सेवियों की मुझे जरूरत है। 151 क्रांतिकारी समाज सेवी मुझे चाहिए, और मैं लेके रहूंगी, मैं ढूंढ के रहूंगी उन हीरो को। अभी यहाँ पे भी जो बैठे हैं ये हम सब समाज सेवी ही हैं, ये एक अमूल्य हीरे हैं, ये साधारण लोग नहीं है, ये अपनी जान तक दे के समाज सेवा करना चाहते हैं, और ऐसे कई हैं मुझे मालूम है, मेरे से आते रहते हैं दिन रात लोग मिलने, मैंने उन लोगों को ढूंढ निकाला है। तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा उद्देश्य था वो यही था, और आज हम लोग जो काम करने वाले हैं, आज जैसे कि हम देखते हैं RTI हम डालते हैं, जैसे मैंने अभी कई लोगों के ऊपर RTI डाल रखी है, तो वो RTI के लिए भी मेरा मंत्रालय में जाना बंद कर दिया कि आपकी नो एंट्री है, अंदर से फोन आएगा आपके हस्बैंड के केबिन से तो ही आप अंदर जा सकती हो, ऐसे सब जोर जबरदस्ती चलती है। मैंने 2-3 मंत्रियों के ऊपर RTI डाल रखी पर उन लोगों ने मेरी RTI भी एक्सेप्ट नहीं करी, पर फिर भी मैंने वापिस से RTI डाली है। पहले जो टपाल पट्टी थी, जो टप्पा लगा के देते थे, वो अंदर था, पर मैं अंदर ना घुस जाऊं, मंत्रालय के अंदर ना घुस जाऊं मैं, इसके लिए उन्होंने टपाल पट्टी भी बाहर कर दी है। ये होती है औरत की ताकत, जब गलती से किसी ने छेड़ दिया है मुझे, अब मुझे प्रूफ करके बताना है कि वॉट इज शिव शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना काय आहे ते वाला देखवायचा आहे, आप सोचिए जरा इस बात पे। इसलिए मैंने ये बायलॉज में सबसे पहला मेरा बायलॉज है कि जो भी व्यक्ति मेरी पार्टी से खड़ा होगा उसको मैं 1 रुपए का करप्शन करने की मार्जिन नहीं रहने दूंगी, और यदि गलती से भी वो कहीं उसमें उसकी पत्नी बच्चे या वो कहीं भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो लेटर देने के बावजूद भी, तो विद इन 24 आवर्स में हमारी पूरी जो संगठन रहेगा, जो हमारी पूरी टीम रहेगी, वो उनको निकालने का उनसे पूछेगी भी नहीं और उनको निकाल देगी। तो ऐसे सब कानून, जब मुझे ऐसा लगता है, मुझे भगवान ने ऐसी डायरेक्शन दी है कि मुझे कुछ करना चाहिए जिसके लिए मुझे ये बायलॉज देगा कि ऐसा हम करेंगे तो करप्शन मुक्त हमारा जो है राज्य हो सकता है, जिसके लिए मैं एक पहल कर रही हूँ, और उसमें मैं मीडिया भाइयों से भी एक वो करूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारे साथ ये 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ जाने वाले नहीं है, सिकंदर भी खाली हाथ खा के गया, हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म और आप लोगों के माध्यम से ये जो बातें हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए मेरी पार्टी में न आने के लिए ना किसी को फंड देना, ना जाने के लिए किसी को फंड देना, जैसे आज मैं तो राजनीति को जी रही हूँ 25 साल से, मैंने आपको बताया, तो आज पार्टी में जाने के लिए, पार्टी का टिकट लेने के लिए भी करोड़ों करोड़ों रुपए देना पड़ते हैं पार्टी फंड बोल के, मंत्री पद भी लेना हो तो उसमें भी करोड़ों रुपए, में आपको बता नहीं सकती कितने करोड़ों रुपए देना पड़ते हैं पार्टी फंड बोल के, तो हमारे ये ऑप्शन ही नहीं रहेगा। बस आपकी ईमानदारी और आपका काम जो आप सालों से कर रहे हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने इतना काम लोगों के लिए करा है, तो आपके पास हम पार्टी फंड अपना जनता से इकट्ठा करेंगे। आज मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है, पर मैं जनता से ये पैसा इकट्ठा करूंगी, और कोई गरीब भी मेरी पार्टी में कार्यकर्ता आके जो ईमानदारी से बताएगा कि मैंने ये काम किया है, तो मैं उसके लिए भी प्रॉपर खुद फंड खर्च करके उसको खड़ा करूंगी, उसको जिता के लाऊंगी, क्योंकि मुझे गंदगी साफ करनी है और इसमें कमल के फूल खिलाने इस दलदल में।